रंजिश के चलते लश्करी बाग में बाबू बकरी गैंग ने अपराधी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की आरोपी पांच पावली पुलिस ने तीन आरोपियों को धर दबोचा था। गौरतलब रहे कि अचानक परिसर में गैंगवार के चलते हुई इस वारदात के होने से पुलिस भी परेशान हो उठी थी। आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला। आपको बता दें कि रविवार की रात लगभग 10:30 बजे रोहन लश्करी बाग के बुद्ध चौक पे दोस्त प्रतीक शेंडी के साथ बैठकर बात कर रहा था। इसी दौरान बाबू बकरी अपने साथी सेखी और अच्छी के साथ पहुंचा और सोहन पर चाकू से कई वार कर दिए और फर्श और ईंट के टुकड़ों से बेरहमी से उस पर हमला बोल दिया। रोहन खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। रोहन के साथियों के आने से पहले तीनों आरोपी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पांचवावली पुलिस मौके पर पहुंची। रोहन को उपचार के लिए मेयो अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां प्राथमिक जांच में ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही तीनों आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया था। वहीं आरोपी बाबू बकरी के खिलाफ इससे पहले भी हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट, मारपीट सहित 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसी न्यूज़, नागपुर।